खबर फर्रुखाबाद जनपद से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेटियों का उत्साह वर्धन किया जा रहा है, जिसमें आज शमसाबाद में राखी को खंड विकास अधिकारी एक दिन के लिए बनाया गया। वीडियो बनकर सुबह 10 बजे ब्लॉक कार्यालय पर पहुंची राखी, वहां पर ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया। ब्लॉक कार्यालय पर जनता की समस्या सुनी, दो समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया तथा अन्य समस्याओं का निराकरण हेतु संबंधित सचिव को दिशा निर्देश दिए। कार्यालय के बाद ग्राम बेलासराय तथा नेगुआ गांव के स्कूलों का निरीक्षण किया। बेलासराय के स्कूल की व्यवस्था सही पाई गई। आज वीडियो बनी, राखी ने कहा बेटी किसी से कम नहीं, मौका मिलने पर हर जगह पर अच्छा काम कर सकती हैं। सरकार का उन्होंने धन्यवाद दिया। किसी महिला या लड़की को अधिकार दिए जाते हैं, तो आज आपको शमसाबाद का वीडियो बनाया गया है, तो इसमें आपको कैसा महसूस हुआ और आपका दिन कैसे गुजरा? महसूस तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इस पोस्ट पर पहुंच के, और दिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स थी जिनको सुना और दो कंप्लेंट्स का निवारण हुआ, और बाकी जो प्रोसेस था आगे के लिए, क्योंकि कुछ में टाइम लगना था तो उनका आगे के लिए निर्देश दे दिया, और गांव बेलासराय गाजा पे स्कूल में गए हम लोग, वहाँ पे देखा। अच्छा, फील्ड में भी काम किया? जी, तो फील्ड में वहाँ पे देखा स्कूल में, वहाँ की एक समस्या थी कि ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा हुआ है जो रिस्क है बच्चों के लिए, तो उसे हटाने के लिए, और उसके बाद वहाँ सब कुछ अच्छा था, टीचर्स वेल मैनर्ड और सब ठीक से देख रहे थे, वहाँ साफ सफाई हर चीज़ अच्छी थी। उसके बाद फिर हम वहीं के एक पुराना मंदिर है वहाँ गए, वहाँ की सड़क जो है वो निर्माणाधीन है, बन रही है, उसमें काम चालू, लेकिन आजकल नहीं हो रहा था, किसी रीज़न से बंद था, पर वो कंटिन्यू रहेगा आगे ऐसा बताया। और उसके बाद नेगवा गांव के एक विद्यालय में हमने चेकआउट किया, तो वहाँ पर ये था कि शिक्षक जो थे, शिक्षा मित्र थे रामवीर, वो अब्सेंट थे, बट पत्र व्यवहार में बिना लिखे हुए वो चले गए थे, इसकी वजह से उन्हें निर्देश दिया कि आगे से ऐसा ना करें, तो उन्होंने कहा है कि आगे से नहीं करेंगे, बाकी थोड़ी प्लांटेशन में कमी थी उसके लिए उनको बताया। अच्छा, ब्लॉक के अधिकारी लोगों ने आपका सपोर्ट किया? बिल्कुल, सभी लोग अच्छे से बिहेव किया सबने, और सबने साथ भी दिया और यहाँ के बारे में बताया कि क्या वर्क है क्या नहीं, कैसे करते हैं, सभी ने पूरा सहयोग दिया। सर, आज आपने अपना पद एक लेडीज को दिया, एक लड़की को दिया, तो आपको कैसा लगा? सरकार की ये योजना क्या अच्छी है, ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छी है, इसमें कम से कम ये है कि जो हमारे घर की, हमारे समाज में बेटियां हैं, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये लागू किया गया है। इसमें अच्छा है कि कम से कम इन लोगों को सीखने के लिए मिला, और ये है कि ये इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि मतलब कोई भी अधिकारी है जिस पद पे है, तो उसके सामने मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, वो काम कैसे करते हैं और लोगों का व्यवहार कैसा होता है। आज की जो खंड विकास अधिकारी शमसाबाद सुश्री राखी जी हैं, ये हमारे साथ फील्ड में भी गई, इन्होंने वहाँ पर देखा और वहाँ के मतलब कार्यों की इन्होंने सराहा कि कार्य अच्छा है। जैसा कि बेलासराय गजा स्कूल के प्रांगण में एक ट्रांसफार्मर है, उसके लिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने एक सीएम को बहुत पहले ही निर्देशित कर दिया है, किन्हीं कारणों से अभी तक वो नहीं हट पाया, मैं इसके बारे में अपने स्तर से पत्र व्यवहार जल्द करूँगा और सर को बताऊंगा कि वो जो है कि बिजली विभाग वाले अपना कार्रवाई करें, अन्यथा उससे जो है कि कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, बच्चों की संख्या भी वहाँ पे ज़्यादा है बेलासराय गजा स्कूल में। इसके अलावा हम लोग लगभग 100 साल पुराना शिव मंदिर है, जिसमें एक सीसी रोड बननी है, उसमें गांव के लोगों का, क्षेत्र के लोगों की बड़ी डिमांड थी मतलब अपने, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि वो सड़क जल्द से जल्द बनवा दी जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तत्पश्चात हम लोग एक दूसरी ग्राम पंचायत नागमा गए,
नेगमा में भी टीचर सब उपस्थित थे। एक शिक्षा मित्र के बारे में बताया गया जो कि श्री रामवीर जी हैं, शिक्षा मित्र हैं। ये बताया गया कि वो मोहल्ला पाठशाला के तहत वो गए पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने भ्रमण रजिस्टर में उसका अंकन नहीं किया था। इसके लिए वीडियो, आज की वीडियो है, राखी जी ने वो निर्देशित किया कि भविष्य में जब भी वो मोहल्ला पाठशाला या कहीं भी जाते हैं तो कम से कम भ्रमण रजिस्टर में उसका अंकन जरूर करें। इसके बाद हम लोग फिर से ब्लैक कैंपस में आ गए। यहाँ पर जो है कि और सब समस्याओं को लेकर, जन शिकायतों को लेकर लोग आए, उसको देखा। आज का दिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, हमें भी अच्छा लगा। बेटियों को जो है कि पढ़ाना चाहिए, इनको गाइड करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ें, और बेटी और बेटे में कोई अंतर होता नहीं है।